हमारे आदरणीय जग्गू सिंह जी काजले आपकी ओर से 101 रुपए की राशि, और हमारे आदरणीय सर जी राम जी ठाकरे शिक्षक महोदय आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि। रोहित जी चीजाम आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कब आओगे मेरे भोले दस जाए तन्हा। कब आओगे मेरे भोले दस जाए तन्हा। ऐसे में आ जाओ भोले सावन से ये 101 रुपए की राशि परम आदरणीय हमारे गुड्डू बड़े जी आपकी ओर से, और 101 रुपए की राशि आदरणीय सन्नी जी राठौर, और 101 रुपए की राशि अर्पित जी तिवारी आपकी ओर से, और 101 रुपए की राशि शुभम जी राठौर आपकी ओर से मंडल को इनायत, और आदरणीय हमारे भूतपूर्व विधायक महोदय श्री मंगल सिंह जी ध्रुवे आपकी ओर से ये 501 रुपए की राशि, और बिल्किस जी बारस्कर आपकी ओर से 201 रुपए की राशि, और श्री अशोक जी नायक साहब आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि, और हमारे आदरणीय गब्बर जी नायक आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है, और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री हरिप्रसाद जी परते खापा वाले आपकी ओर से मंडल को इनायत। तो देखिए आप सभी भक्तगण और मंच पर अतिथिगण विराजमान हैं, तो देखिए कहना है क्या मात्र दो लाइन कि हिंदुस्तान किसका नाम है। कहना है कि कहना है आदरणीय पन्ना लाल जी नाम आपकी ओर से 21 रुपए की राशि आई है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो कहना है क्या कि चेहरा खिला हुआ सबका होठों पे मुस्कान है। कहना है कि यहाँ पर जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं, तो कहना है कि चेहरा खिला हुआ है सबका और होठों पर मुस्कान है, और जहाँ पर आप जैसे लोग विराजमान रहते हैं उसी का नाम हिंदुस्तान है। उसी का नाम हिंदुस्तान है। देखिए भगवान भोलेनाथ अपने 11वें रुद्र अवतार में हनुमान जी के रूप में सारे गांव वालों के सामने प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं तो सारा गांव खुशियों से झूम उठता है और भक्ति में हो जाते हैं। इसके बाद श्री ठाकुर भजन मंडल ढावा कला, तो देखिए नर्मदापुरम बजा रहे हैं, एक सुरंजी जनाबी का डांस हो जाए।
हाँ हमारे सोलंकी जनाब अब राउंड लगाएंगे एक राउंड मात्र। तो देखिए वह श्रीकर नाम का बालक किस तरह से भगवान भोलेनाथ का भजन कर रहा है, क्या कह रहा है। 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री किशोर जी ध्रुवे बाला बीड़ा वाले आपकी ओर से, और ये 251 रुपए की राशि आई ग्राम कान्हाबाड़ी से अनिल जी हुई के शिवपाल जी ध्रुवे और सुभाष जी उन्हें आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि अनूप जी भला भी आपकी ओर से, 51 रुपए इमलेश मरकाम आपकी ओर से, ये ग्राम ग्राम भाड़भूर वाले मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कहना है। वह बालक कहने लगा क्या मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, अब चाहे जो हो जाए। हेलो हेलो ये 51 रुपए की राशि आदरणीय हमारे श्री शेर सिंह जी जोठे ग्राम धपाड़ा वाले आपकी जानिब से, और 51 रुपए की राशि श्रीमान रविंद्र मालवी गुरगुंदा वाले आपकी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कहना है। क्योंकि मैया ने उस बालक को डांट दिया था तो कहा कि अब मैं अपने माता से डरने वाला नहीं, क्या कहना है। मैं मैया से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं, कहना है कि भोजन में थाली अच्छी लगती है और ससुराल में चुलबुली थाली अच्छी लगती है, और मंडलों का उत्साह बढ़ाने के लिए भैया आपकी थाली अच्छी लगती है एक बार और हमारे सोलन के जनाब के लिए। तो कहना है मैं मैया से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं, राशि आदरणीय श्री रामनाथ जी उनके मूढ़ा वाले आपकी ओर से, और ये 251 रुपए की राशि हमारे आदरणीय आरडी पवार साहब और आदरणीय रामदेव जी आपकी ओर से, और 201 रुपए की राशि बिल्किस बारस्कर जिला पंचायत सदस्य आपकी ओर से 201 रुपए की राशि आई है। कहना है वह बालक कह रहा है मैं आज यहाँ भज में आया, तुम्हारा गुणगान करूं,
ढाबा कला मंच के समीप आ जाए। ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला के समीप आ जाए। हेलो हमारे आदरणीय भाई साहब श्री सतीश जी बेले गोरबंदा वाले आपकी ओर से भी ये 501 रुपए की राशि प्रदान होती है। मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना है। देखिए जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि इस समय जो भगवा रंग है ये सभी के दिलों पर छाया हुआ है, तो हमारा भी भगवा रंग के लिए हमारा क्या मानना है और हमारा क्या कहना है क्या? भगवा के दीवाने हम भगवा किसान बढ़ाएंगे, देश के कोने कोने में भगवा रंग लहराएंगे। देखिए जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, तो हमारा भी कहना है क्या? क्या अरे भगवा ही रंग लहराएंगे, ये कैसा का भजन नहीं है भाई, अभी तुरंत सेट किया वाला कहना है ना क्या? अरे भगवा ही रंग लहराएंगे हम हैं इसके दीवाने, भगवा ही रंग लहराएंगे। करके ये सबको दिखलाएंगे हम हैं इसके दीवाने, भगवा ही रंग लहराएंगे। हेलो